सो गाइस 14 क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क यानी बलागुण फाइंड करना है कहां से, अबाउट ओरिजिन यानी ओरिजिन के सापेक्ष हमें बलागुण फाइंड करना है कब। हम बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है हमें आर क्रॉस एफ पता है, ये क्या होता है आर यानी डिस्टेंस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स। सो आर क्रॉस एफ यानी हमें टॉर्क फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर क्या है पोजिशन वेक्टर, ये हमारे पास दे रखा है 2k कैप मीटर, और जो फोर्स की वैल्यू वो क्या दे रखी है 3j कैप न्यूटन दे रखी है। तो वैल्यू सीधे पुट कर दो भाई, सीधे हमें दे रखा है तो 2k कैप कर दूंगा, 2k कैप मीटर इंटू 3j कैप क्या है न्यूटन। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 3 6 के कैप इंटू जे कैप, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, वो तो सिंपल है, जो कांस्टेंट होते हैं जो वेक्टर नहीं होते, जो विदाउट वेक्टर होते हैं वो सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं सिंपल मैथमेटिकल से, लेकिन जो वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जे कैप के कैप आई कैप आपको पता होगा डायरेक्शन शो करते हैं, वो यूनिट वेक्टर होते हैं, तो वो तो सीधे सदिश गुणन होगा उनका, वो हम करते हैं कैसे होगा। और जब इसको इनको लिख दो भाई न्यूटन मीटर, और हमें पता है भाई न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। सो अब हमारे पास 6 आ गया के कैप जे कैप, ये देखो ये क्या हो गई हमारे पास आई कैप हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई जे कैप हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई के कैप हो गई, क्या हो गई के कैप हो गई। तो जब हम आई से जे में जाते हैं तो ये सीधे हमारी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब हम इस ऐसे जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, ऐसे घूमते हैं तो क्या होती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है, क्या होती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो देखो अब बताओ के क्रॉस जे यानी के से जे की तरफ जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस आ रहा है ना। और इसके बाद क्या आएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे देखो इनका क्या है क्रॉस आ रहा है यानी सदिश गुणन आ रहा है, यानी के और जे के परपेंडिकुलर में कौन सा वेक्टर होगा, तो आप देख लो के क्रॉस जे यानी के से जे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा आई आएगा, क्या आएगा आई आएगा, तो आई कैप न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और आप वैसे भी देख सकते हो माइनस आ रहा है तो बस यही आंसर हो सकता है आप, क्योंकि कभी कभार पेपर में जो है क्वेश्चन को देखते पूरा करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आपको ऑप्शन से अंदाजा लग जाता है क्या होगा। अब एक बार और समझा देते हैं क्या किया हमने, आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दी दोनों की और बाकी सब चीज है, बस के क्रॉस जे हमें फाइंड करना आना चाहिए। के क्रॉस जे कैसे करेंगे, के क्रॉस जे माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आ गया, और के से जे की तरफ जा रहे हैं तो के से जे की तरफ जा रहा है, और क्या आ रहा है ये सदिश गुणन आ रहा है, सदिश गुणन, तो क्या हो जाए के क्रॉस जे क्या होता है आई होता है, आपको पता होगा के क्रॉस जे क्या होता है आई होता है, और आई क्रॉस जे क्या होता है आई क्रॉस जे होगा के होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई से जे की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस आएगा, आई से जे की तरफ जा रहा है तो अगला कौन सा आएगा के आएगा, तो इसलिए के हो जाएगा उस कंडीशन में, लेकिन इसमें क्या आएगा माइनस 6 आई कैप न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।